हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो हमारा फोर्थ यूनिट का लेसन चल रहा था इंग्लिश में, जिसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट में हम रीड आउट कर रहे थे सेकंड पार्ट को। तो चलिए जी, जहाँ तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिसकम्फर्ट लाइनगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। नदी बह रही थी, ठीक है, ब्रेसिंग एंड येट, फिर भी स्लाइटली डिसकम्फर्ट, मतलब चारों तरफ अच्छा माहौल था लेकिन फिर भी वो खुद को डिसकम्फर्ट महसूस कर रहे थे। बिपिन बाबू के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। अराउंड हस्टिंग, वो पूरी तरह से, मतलब क्या है, मतलब उनका ध्यान भंग था, ठीक है, चारों ओर उन्होंने देखा। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हीज ट्राउजर्स, उन्होंने अपनी पैंट को ऊपर उठाया, एंड टेक ए लुक एट हीज राइट नी, और अपने घुटने को चेक किया। देर वाज द मार्क ऑन द ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो उनके पैर पे एक कोई चोट का निशान था। इट वाज इम्पॉसिबल, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, टू टेल वैन द इंजरी हैज ऑक्यूर्ड, जब उनको ये इंजरी हुई तो उन्हें याद क्यों नहीं रही। उन्हें इस बात के लिए वो कह रहे थे ये इम्पॉसिबल, असंभव हो सकता है, इतनी बड़ी चोट आई मुझे पता ही नहीं चला रहा, मुझे याद भी नहीं है, इस बात के लिए वो शॉक हुए थे। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हीज नीज, क्या वो गिर गए थे जब वो बच्चे थे या छोटे थे, तब वो गिर गए थे, फॉल गिर गए थे, या और उनका पैर, ये जो घुटना है वो किसी चोट से काट लिया गया था या कट गया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एज द इंसिडेंट्स, वे किसी भी तरह से उस दृश्य को, इस इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट कुड नॉट, परंतु उन्हें याद नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक, सडनली अचानक, ठीक है, दिनेश मुखर्जी के बारे में बिपिन बाबू को क्या आया, विचार आया। द मैन द हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची, तो उस आदमी ने ये कहा था कि आपके साथ दिनेश भी थे रांची में। द बेस्ट थिंग्स, तो अच्छी बात ये होगी, श्योरली वुड टू बी आस्क हिम, तो मुझे वास्तव में उसे पूछना चाहिए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, तो वह थोड़ा और नजदीक जाता है, इन द बेनिंडम स्ट्रीट, बेनिंडम स्ट्रीट में। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बट देन, किंतु, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रीच टू रांची, यदि वो पहले कभी नहीं गया रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, यदि, अब उनके मन में ये ख्याल चल रहा था कि यदि वो दिनेश बाबू से ये बात पूछेंगे तो वो सोचेंगे कि बिपिन बाबू, क्या आपको इस बात में कन्फर्मेशन चाहिए, आपको इतना भी नहीं पता, तो वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो वे बिपिन बाबू को क्या समझेंगे कि वो वास्तव में क्या है, पागल हो गए हैं क्या। नो, नहीं, इट वुड बी ए रिडिसिस टू आस्क, तो ये अच्छा नहीं होगा पूछना उनसे। तो जैसे हम कभी कभी मान लीजिए क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं नहीं यार गुरुजी या सब दीदी सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए मेरे को ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, मुझे इतना भी नहीं पता। तो ऐसा वो भी फील कर रहे थे कि मैं उनसे अगर पूछूंगा दिनेश बाबू से तो मेरे को, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रैम्स कुड बी, और वो मुझे एक अलग ही नज़रिए से देखेगा दिनेश, या जो भी है, ठीक है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हीज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, ये अपने एयर कंडीशनर रूम के अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, ठीक है। विपिन बाबू ने महसूस किया एट एल्स अगेन, दोबारा, सच ए नॉइंसेंस, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, अब उनके पास और कोई जरिया नहीं था, दे गॉट अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपुल्स हेयर, कि दूसरों की तरह, मतलब अब उनके पास दूसरे लोगों की तरह कोई तरीका नहीं था, एक वही आदमी थे जो उनके साथ वहाँ गए थे इस बात को वे क्लियर करने के लिए, तो उनके बारे में ये विचार उनके चल रहे थे मस्त में। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, धन्यवाद।